हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज की अगली कॉमिक्स, मौत का ओलंपिक। इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच से हुई। आइए देखें। फास्ट बॉक्सर निहिंग की अगली गेंद कोर्ट एंड से और बोल्ड ग्रीनविच सॉफ्ट बोल्ड हो गए पवेलियन में का स्कोर 2 विकेट पर 105 रन। अगले बल्लेबाज रिची, उफ अपना काम इस रिची से नहीं चलेगा, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त है। हमारा काम तो इसके बाद वाले बल्लेबाज रिगार्ड से है, तो इस रिची को रास्ते से हटाना होगा। पिच पर जाता बल्लेबाज रिची जैसे ही उन दोनों के बगल से निकला, ये गया बिच्छू इसके पैड के अंदर। रिची 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि आह, क्या हुआ रिची? अरे बिच्छू, तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि पैड झाड़ कर पहनो, लेकिन वक्त नहीं है रिगार्ड, तुम मैदान पर जाओ, मैं रिची को दवा देने का इंतजाम करता हूँ। ओके कैप्टन। शाबाश, अब प्रार्थना करो कि ये कहीं अगली गेंद पर ही आउट ना हो जाए, वरना अपना ऐसी बात सोचकर ही रूह कांप जाती है। अगले बैट्समैन है धुआंधार रिगार्ड, जो बॉलर के सर के ऊपर से छक्का मारने के लिए विख्यात है। ये अब सामना करेंगे निहंग के ओवर की 3री गेंद का। निहंग आए, उन्होंने अंपायर को पार किया, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, और ये रिगार्ड का चिर परिचय शॉर्ट, पहली ही बॉल पर सीधा छक्का, और गेंद निहंग के सर से ऊपर सर के ऊपर से होती हुई सीधी पवेलियन में आकर गिरी है। पवेलियन में किनारे खड़े फोटोग्राफर को इसी क्षण का इंतजार था। वह गेंद की तरफ तेजी से लपका और उसने गेंद फील्डर की तरफ वापस उछाल दी। थैंक्स, इट्स ऑल राइट, यह कोई नहीं देख पाया कि फोटोग्राफर ने बड़ी सफाई से गेंद को दूसरी गेंद से बदल दिया है। गेंद एक बार फिर निहंग के हाथों में है। वे मुड़े दौड़े, एम्पायर किशन को पार किया, और रिगार्ड ने इससे ज्यादा घातक गेंद शायद कभी नहीं खेली थी, क्योंकि गेंद के जमीन से टकराते ही एक कण भेदी धमाका हुआ और रिगार्ड का पूरा बदन हवा में उड़ता नजर आया। इसके साथ ही शुरू हो गया मौत का ओलंपिक, जिसका प्रथम पुरस्कार था विजेता के हाथों ध्रुव की मौत। उस दिन ध्रुव भी मैच देखने के लिए दर्शक दीर्घा में मौजूद था। ये क्या, यानी बॉल बदल दी गई थी, पर कैसे? ध्रुव तेजी से मैदान में कूदा। टीम डॉक्टर और साथी खिलाड़ी भी दौड़ते हुए पिच तक पहुंच चुके थे। जल्दी डॉक्टर, ये अभी जिंदा है। अरे तुम इसकी जेब से सिक्का क्यों निकाल रहे हो? ये तो हमारी टीम का खिलाड़ी नहीं है। कौन हो? आह, गेट आउट ऑफ माई वे, पकड़ो, भागने ना पाए। भीड़ नकली खिलाड़ी को रोकने आगे बढ़ी। तभी पवेलियन में एक तरफ खड़ा फोटोग्राफर भीड़ के सामने लपका, खबरदार अगर कोई आगे बढ़ा तो। कैमरे का शटर दबा और 2 गोलियां हवा में दगी और भीड़ पानी की तरह छट गई। पलक झपकते हुए दोनों यूरोपियन स्टेडियम के बाहर थे। वह रही हमारी कार, लेकिन तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे। अब अगर तुम कहीं पहुंचोगे तो वह जगह पुलिस स्टेशन है। तभी ध्रुव को पीछे से आ रहे खतरे का एहसास हुआ। वह तेजी से एक और हटा, लेकिन हटते हटते भी उसको हल्का सा धक्का लग ही गया और वह जमीन पर आ गिरा। वह कार देखते देखते धूल और धुएं का गुब्बार उड़ाती गायब हो गई। उफ, इस पर तो नंबर प्लेट तक नहीं है, और इस रंग और मॉडल की सैकड़ों कारें इस शहर में। और फिर यह सब बहुत ही पूर्व नियोजित था सर। पवेलियन में 2 आदमी, कैमरा रूपी पिस्तौल लिए फोटोग्राफर, और बाहर इंतजार कर रही बिना नंबर की एक कार, और ये सब मिस्टर रिगार्ड की जेब में रखा हुआ सिक्का चुराने के लिए, जो सिर्फ रिगार्ड ही के लिए ही भाग्यशाली है। बाजार में जिसकी कीमत 50 रुपए भी नहीं होगी। कमाल की बात तो यह है कि वे सभी व्यक्ति यूरोपियन थे। हर कोई ये समझ रहा था कि वे मैच देखने आए। मिस्टर रिगार्ड अब कैसे हैं? खतरे से बाहर, वह मन इतना शक्तिशाली नहीं था कि किसी को जान से खत्म कर सके। यानी वे रिगार्ड को खत्म करना नहीं चाहते थे, उनको सिर्फ उसकी जेब में रखे सिक्के से मतलब था। आखिर इस सबकी तुक क्या है? उसी वक्त एक अज्ञात स्थान पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, संयुक्त यूरोपियन टीम ने अपना काम अंजाम दे दिया है। वे क्रिकेट खिलाड़ी रिगार्ड की जेब से उसका भाग्यशाली सिक्का उस वक्त निकाल लाए जिस वक्त वह पिच पर बैटिंग कर रहा था। इस काम को उन्होंने 2 दिन की अवधि खत्म होने से पहले ही पूरा करके पूरे 80 अंक प्राप्त किए हैं। यूरोपियन टीम को हमारी ओलंपिक कमेटी की बधाई। इसी बीच बगल के कमरे में एक दूसरी मीटिंग चल रही थी। हमको बहुत कठिन काम दिया गया है। उस आर्ट गैलरी में आजकल हर वक्त बहुत भीड़ रहती है। ऐसे में वहां से 2 विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियों के फ्रेम निकाल कर लाना, और वह भी ऐसे कि कोई देख ना सके, एकदम असंभव है। हाँ, और शाम के 3 बजे तो भीड़ सबसे ज्यादा होती है, और हमको अपना काम शाम के 3 बजे ही करना है। इन सबको
इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, तुम चाहो तो अब भी अपना नाम वापस ले सकते हो। नहीं, हम ये काम करेंगे, मैं ये साबित कर दूंगा कि हम चीनियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और पुलिस हेडक्वार्टर में उन यूरोपियनों का कोई कहीं कोई पता नहीं है, वारदात होते ही मैंने सारे भागने के रास्ते बंद करवा दिए थे, लेकिन वे तो गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गए। उधर इंग्लैंड टीम का मैनेजर धमकी दे रहा है, अगर अपराधियों को तुरंत ना पकड़ा गया तो आगे मैच नहीं होगा। अब मैं करूं भी तो क्या, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं उनको पाताल से भी खोद कर ले आऊंगा, आखिरी हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगले दिन शाम के 2:45 बजे राजनगर की आर्ट गैलरी हमेशा की तरह दर्शकों से भरी थी। ढलती शाम, ये तो मगरमच्छ के पेट के अंदर की फोटो लग रही है। जब समझ में नहीं आता तो यहाँ आए क्यों थे, ये क्या जलेबी की तस्वीर है, क्यों? धीरे बोल मूर्ख, ये जीवन की उलझन है। तभी बाथरूम की तरफ से एक गोली की आवाज ने सबका ध्यान आकृष्ट कर लिया। आर्ट गैलरी में तैनात गार्ड तेजी से बाथरूम की ओर लपके, चोर चोर पकड़ो, अरे इसको तो पैर में गोली लगी है। और लगभग साथ ही साथ दो नकाबपोश भी उसके पीछे निकले, इसके हाथ में तो कलाकृतियां हैं, खबरदार जो किसी ने हिलने की कोशिश की तो होश में आओ और कलाकृतियां नीचे। आह, मैंने कहा हिलना मत, और गार्ड उछल कर नीचे आ गिरा, नकाबपोश बगल वाली खिड़की की तरफ लपके, आओ जल्दी। यह सब पल भर में ही हो गया, दूसरे गार्ड को पिस्तौल बाहर निकालने का भी मौका नहीं मिला। परंतु खिड़की का शीशा टूटते ही पुलिस स्टेशन में लगा अलार्म घनघनाने लगा। तुरंत ही सावधान सावधान, 13वें रास्ते की सभी पुलिस कंट्रोल पेट्रोल वैन तुरंत आर्ट गैलरी पहुंचे, रेड अलर्ट, आर्ट गैलरी तो अगले ही मोड़ पर है। और कुछ ही क्षणों में वे रहे दो नकाबपोश हैं, एक के हाथ में कलाकृतियां भी हैं। लगभग पूरी आर्ट गैलरी के दर्शक इधर ही देख रहे हैं। अच्छा ही है, मैं ऐसे अपराधियों की पिटाई पूरी जनता के सामने ही करना चाहता हूँ, ताकि वे भी देख लें कि इन नाली के कीड़ों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दुश्मन कमजोर नहीं था, अगले ही पल, आह, ये तो बिजली से भी तेज है। लेकिन ध्रुव का बदन ऐसी पता नहीं कितनी परीक्षाओं की आंच में तप कर निखरा था। गिरते गिरते भी उसके बदन से मोटरसाइकिल को एक झटका दिया और मोटरसाइकिल ने अपना रास्ता बदल लिया। परंतु ये तो कुंफू का उस्ताद लगता है, इधर ये मुझे उलझाए हुए है और उधर उसका साथी पेंटिंग्स लेकर भाग रहा है, इसलिए इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। नकाबपोश कुंफू का उस्ताद जरूर था, लेकिन ध्रुव उस्तादों का उस्ताद था। ये तो गया, अब दूसरा नकाबपोश ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। पुलिस, वह पलटा और वापस भागा जहां ध्रुव उसका इंतजार कर रहा था। अब देखूं कि तुम कौन सी बहुमूल्य कलाकृतियां लेकर भाग रहे थे। परंतु कलाकृतियों के रूप में एक आश्चर्यजनक ध्रुव का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये दोनों कलाकृतियां थी ही नहीं। ये क्या, सादे कागज, ये दोनों तो चाइनीज हैं क्या? फिर आर्ट गैलरी में मैं जैसे ही बाथरूम में घुसा, मुझे पास के शौचालय से कुछ आवाजें सुनाई दी। दरवाजा हल्का सा खुला था, मैंने अंदर झांका तो दो नकाबपोश कुछ पेंटिंग्स लिए जाने क्या कर रहे थे। मैं अगले ही पल चिल्लाता हुआ बाहर भागा। अभी मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी एक गोली चली और मुझे अपनी पिंडली में एक अंगारा छूता हुआ सा लगा। आगे तो सारी बात आप जानते ही हैं, लेकिन इन दोनों ने हमारे देश की नाक ही काट डाली। छी, कमाल है, एक और बेतुका अपराध, और वह भी विदेशियों के ही द्वारा। बाद में उन दोनों चाइनीज युवकों का कहना है कि ऐसा उन्होंने एक शर्त जीतने के लिए किया कि उस आर्ट गैलरी से कुछ लेकर भाग नहीं सकता है, और उनका यह भी कहना है कि गोली उन्होंने नहीं चलाई। एकदम सफेद झूठ, नहीं ध्रुव, उनका कहना सच है, ये रही उनके रिवॉल्वर। और हमारे विशेषज्ञ का कहना है कि मिस्टर चौंग के पैर में जो गोली लगी वह इस रिवॉल्वर से नहीं चली है। क्या, यानी ना तो आर्ट गैलरी से कोई चीज चोरी हुई, और यही तो कमाल की बात है, चोरी हुई है परंतु दो अति मूल्य बहुमूल्य कलाकृतियों के सिर्फ फ्रेमों की, ये तो हद हो गई। यानी किसी ने इन दोनों युवकों से चोरी करने की शर्त लगाई, और जब सभी दर्शक खिड़की से भागते नकाबपोश को देख रहे थे तो उसने भरपूर मौका होते हुए भी सिर्फ फ्रेम चुराए, और गोली भी शायद उसी ने चलाई। वाह, अभी कल कुछ यूरोपियों ने एक सिक्का चुराया और आज शायद चाइनीजों ने दो फ्रेम, फिर आपने दोनों चाइनीज युवकों का क्या किया? कर भी क्या सकते थे, गोली उन्होंने चलाई नहीं, चोरी उन्होंने की नहीं, हमको उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देना पड़ा। पर मुझे पूरा यकीन है सर कि इन सब का इस घटना से गहरा संबंध है। तभी तो मुझे इजाजत है सर? हाँ मिस्टर चौंग, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मुझे बहुत खेद है। आइए मिस्टर चौंग, मैं आपके लिए कुछ तो नहीं कर सकता, पर आपको कम से कम आपके ठहरने के स्थान तक तो पहुँचा ही सकता हूँ। श्योर माई सन, और थोड़ी देर बाद आप यहाँ ठहरे हैं इस जहाज में?
हाँ, और मेरे जैसे बहुत से पर्यटक इस जहाज में ही ठहरे हैं। इस शहर के होटल बहुत महंगे हैं। परंतु चौंग के जहाज की तरफ मुड़ते ही ध्रुव का मुस्कुराता चेहरा एकदम से कठोर हो गया। उसी रात, ये है वह जहाज करीम, तुमको इस पर कड़ी नजर रखनी है और तुमको हर वह बात तुमको नोट करनी है जो असामान्य लगे। फिकर नॉट कैप्टन, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले कुछ दिनों तक शहर में अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहीं और ध्रुव खामोशी से देखता रहा। फिर एक दिन, क्या कह रहे हो ध्रुव? मैं ठीक कह रहा हूँ सर, मुझे विश्वास है कि विभिन्न देशों के अपराधी इस शहर में किसी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और उनका अड्डा है पर्ल हार्बर पर खड़ा जहाज सी किंग। मैंने कमांडो करीम को इसकी निगरानी पर लगाया था और उसके अनुसार हर ऐसे अजीबोगरीब अपराध के बाद अपराधियों के होलिये से मिलते जुलते लोग सी किंग के अंदर गए। पर तुमको सी किंग पर शक कैसे हुआ? क्योंकि मिस्टर चौंग उसी जहाज पर ठहरे हुए हैं और मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है कि मिस्टर चौंग अपराधियों से मिले हुए हैं। कैसा सबूत? सबूत वह पैंट है जो मिस्टर चौंग दुर्घटना के वक्त पहने हुए थे और जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर अपने पास ही रखा है। शीघ्र ही, हाँ ये रही वह पैंट। देखिए सर, अगर मिस्टर चौंग को दौड़ते वक्त गोली लगी होती तो पैंट का छेद और गोली का घाव एक ही सीध में होते या जरा सा ऊपर नीचे होते। इतना ज्यादा अंतर ये बताता है कि जिस वक्त गोली लगी उस वक्त पैंट काफी ऊपर उठी थी, लगभग वैसी ही जैसे बैठने के वक्त हो जाती है। तुम्हारा कहना तो सही है, पर तुम इसे साबित क्या करना चाहते हो? सिर्फ यही कि मिस्टर चुआंग ने बड़े आराम से कमोड पर बैठकर अपनी ही रिवॉल्वर से अपने ही पाँव में गोली मारी है। पर क्यों? ताकि अगर कोई दर्शक खिड़की से बाहर भाग रहे नकाबपोशों को ना देख रहा हो तो मिस्टर चुआंग उसका ध्यान बटा सके और इस दरमियान उनका चौथा साथी पेंटिंग्स के फ्रेम निकालकर फरार हो सके। माई गॉड, यू मे बी राइट। आओ मेरे साथ। कुछ घंटे बाद पर्ल हार्बर पर खड़े जहाज सी किंग में मेरे पास इस जहाज की तलाशी का वारंट है कैप्टन। हमें शक है कि आपके जहाज में कुछ ऐसे अपराधी छिपे हैं जिनकी हमें तलाश है। मेरे जहाज में अपराधी? हाउ डिजास्ट्रस। आप शौक से पूरे जहाज की तलाशी लीजिए, जहाँ चाहे और जितनी देर तक चाहे। जल्दी ही यह बात साफ हो गई कि सी किंग में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसकी पुलिस को तलाश थी। आई एम सॉरी कैप्टन। सॉरी की क्या बात है, मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हद हो गई ध्रुव, तुम जानते हो किसी अंतरराष्ट्रीय जहाज की तलाशी लेने का क्या मतलब होता है, और वो भी सिर्फ शक के आधार पर। जवाब में ध्रुव खामोश रहा और एसपी जैसे ही हटे। करीम, एसपी साहब को चाहे मेरी बात का भरोसा ना हो, मुझे तुम्हारी नजरों पर पूरा भरोसा और यकीन भी। तुम इस जगह पर नजर रखना जारी रखो। और इसी बीच उसी अज्ञात स्थान पर देवियों और सज्जनों, चाइनीज टीम ने पहले पूरे 80 अंक प्राप्त किए थे क्योंकि वह 3 बजे ठसाठस भरी आर्ट गैलरी से दोनों फ्रेम ले आए और उनको फ्रेम निकालते किसी ने नहीं देखा। लेकिन उनके दो आदमी ध्रुव द्वारा पकड़े भी गए, इसलिए पेनल्टी के रूप में 10 अंक कट गए, बचे 70 अंक। और अब अगला दौर अफ्रीकी टीम का है। यह ध्रुव कौन है? बगल वाले कमरे में अफ्रीकी टीम जोरदार विरोध कर रही थी। यह नाइंसाफी है, हमको विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, उससे तो काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर 80 अंक किस बात के? तुम हमारे लीडर हो कुंटा, तुम ही बताओ कि यह कैसे संभव है। शांत शांत शांत, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु सिर्फ दिमाग वालों के लिए। पहले मेरे सामने उस इलाके का पूरा नक्शा लाओ और फिर मैं तुमको अपना प्लान बताता हूँ। शीघ्र ही। तो ये है वो पुराना किला जिसकी 5 फुट मोटी दीवार हमको कल शाम तक तोड़नी है। पर इसके बगल में ये दो लाइनें किस चीज की हैं? ये रेल की पटरी है। बस बन गया काम, लेकिन इस पटरी का अब इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि जो गाड़ियां पहले इस पटरी से जाती थी अब उनके लिए नई पटरियां बना दी गई हैं। और नई पटरी ये है, किले से 1 किलोमीटर दूर। अगर ये नई नवेली पटरी टूट फूट जाए या बंद हो जाए तो फिर रेलगाड़ियां कहाँ से जाएंगी? इस पुरानी पटरी से। वाह, मान गए उस्ताद। अगले दिन, ये है नई पटरी और बहरा किला यहाँ से पूरे 1 किलोमीटर दूर। यह स्थान हमारे काम के लिए सर्वोत्तम है। डायनामाइट लगाओ, नजूबी ज्यादा वक्त नहीं बचाए, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। नजूबी वादे का पक्का था। हो गया, अब तुम डेटोनेटर का लीवर दबा सकते हो कुंटा। ही, बड़ी खुशी से। लीवर कहाँ, तेजी से नीचे दबा और एक के बाद एक 3 धमाके हुए। लगभग आधा किलोमीटर तक पूरी पटरी बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबकर टिन की पत्तियों की तरह चपटी हो गई। मुझको धमाकों की आवाजें बहुत पसंद है। आओ नजूबी, कम से कम स्टेशन मास्टर को फोन से इस दुर्घटना की सूचना तो दे दें। इस खबर को सेंट्रल स्टेशन में पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। हेलो डिविजनल ऑफिस, स्टेशन मास्टर हियर।
स्टेशन मास्टर हियर, यहाँ से दिल्ली के बीच की पटरी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, शीघ्र आदेश दें सर कि क्या किया जाए। कैसे? खैर, मैं सहायता दल तुरंत भेज रहा हूँ, तब तक आप दोनों ट्रेनों को पुरानी पटरी से भेजने की व्यवस्था करें। लाइन कल तक ठीक हो जाएगी। अपना पासा सही पड़ा कुंटा, कुंटा का पासा कभी भी गलत नहीं पड़ता। अब आओ स्टेशन चलें। और उसी शाम जब 41 टाउन सागर एक्सप्रेस सेंट्रल स्टेशन से बाहर निकली, तब तक सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही ट्रेन पुरानी पटरी पर पहुंची, इंजन के अंदर का दृश्य बदल गया। कुंटा हियर, तुम तैयार हो? तवारा, ओवर। यस लीडर, मैं आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ ध्रुव ने पूरे शहर पर नजर रखने का एक नया इंतजाम किया था। वाह, यहाँ पर ना तो कोई लाल बत्ती और ना ही ट्रैफिक की भीड़ भाड़। ये क्या है? ओ, इस पुरानी पटरी पर ये पहली ट्रेन दिल्ली के लिए जा रही है, 41 टाउन सागर एक्सप्रेस। इसमें इंजन भी नई तरीके का लगा है, जिससे आगे और पीछे दोनों ही तरफ चलाया जा सकता है। और अरे अरे, ये दो लोग तो पटरी की फिश प्लेटें हटा रहे हैं, और ट्रेन यहाँ 10 मिनट में पहुंचने वाली है। इनको पकड़ने का वक्त नहीं है, पहले ट्रेन के निर्दोष यात्रियों की जान बचानी ज्यादा जरूरी है। अगले ही पल हेलीकॉप्टर तेजी से वापस घूमा और ट्रेन की तरफ बढ़ चला। ये रही ट्रेन। अब अरे, ये क्या है? ये तो ट्रेन का ड्राइवर है, और ट्रेन चलती जा रही है, यानी कुछ गड़बड़ है। लगता है नीचे जाकर देखना पड़ेगा। अगले ही पल हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे गिरी, और रस्सी में बंधा हुक इंजन की छत में आ फंसा। हेलीकॉप्टर तो पार्क हो गया, अब देखूंगे इंजन में क्या गड़बड़ है। इंजन के अंदर, अपने हेलीकॉप्टर का सिग्नल दे दो नजूबी, अब इंजन की छत पर चढ़ने का वक्त आ गया है। लेकिन ट्रेन की छत पर कोई उनका इंतजार कर रहा था। कहीं जा रहे हो क्या? और इससे पहले कि दोनों अफ्रीकी संभल पाते, दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को नीचे गिरने से बचाया। कुंटा, हमारा हेलीकॉप्टर आ गया। ध्रुव का ध्यान क्षण भर के लिए बटा, और इस बार नीचे गिरने की बारी ध्रुव की थी। कुंटा तेजी से आगे लपका। ये गया इसका हेलीकॉप्टर। हवा में लटका हुआ असहाय ध्रुव चुपचाप देखता रहा, और उसका हेलीकॉप्टर चट्टानों से टकरा कर नष्ट हो गया। उफ, ये दोनों तो भाग रहे हैं, मैं इनको रोक तो नहीं सकता, पर कम से कम एक प्रेजेंट तो दे ही सकता हूँ। ध्रुव का हाथ घूमा, और कुंटा की पीठ में एक कीड़ा नुमा माइक्रो ट्रांसमीटर आकर जाकर चिपक गया। देखते ही देखते दोनों अफ्रीकनों के साथ हेलीकॉप्टर अंधेरे में गुम हो गया। ओह, इनके चक्कर में तो मैं इस बिना ड्राइवर की ट्रेन को लगभग भूल ही गया। ब्रेक काम नहीं कर रहे, यानी इंजन नहीं रोक सकता। इग्निशन स्विच भी जाम हो गया है। इस इंजन के बारे में मुझे वैसे भी ज्यादा जानकारी नहीं है, वक्त भी बहुत कम है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि इंजन को बाकी डिब्बों से अलग कर दिया जाए। ध्रुव के शक्तिशाली हाथों का एक झटका लगा, और इंजन डिब्बों से अलग हो गया। डिब्बों की गति धीरे धीरे कम होने लगी, और इंजन की गति तेज। वहां से थोड़ी ही दूर पटरियों में लोहे का तार कसकर बांधा है ना, बुलडोजर स्टार्ट करो, ट्रेन आ रही है। बुलडोजर का शक्तिशाली इंजन स्टार्ट हुआ, और पटरियों का रुख किले की दीवार की तरफ मुड़ गया। आओ तबरा, भागो, इंजन आ रहा है। 100 की गति से भागता हुआ रेल इंजन तेजी से मुड़ी पटरी की ओर बढ़ा, और किले की 5 फुट मोटी दीवार एक कण भेदी धमाके के साथ ढह गई। फिर बाद में अफ्रीकन टीम ने आज एक बहुत मुश्किल काम पूरा करके अपने लिए पूरे 80 अंक अर्जित किए, और साथ में 10 अंकों का बोनस भी। अफ्रीकन टीम को हमारी बधाई। और पर्ल हार्बर पर क्या रिपोर्ट है करीम? अभी अभी दो अफ्रीकी जहाज में गए हैं, एक गंजा और एक चमड़े की जैकेट वाला। उससे 10 मिनट पहले एक हेलीकॉप्टर भी इस जहाज पर उतरा था। वो मारा, ये सिग्नल भी यही बता रहे हैं कि वे अफ्रीकी इसी जहाज में है। सिग्नल? कैसे सिग्नल? अभी 4 अफ्रीकनों ने सागर एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की, उनको तो मैं नहीं रोक पाया, पर यात्रियों को मैंने बचा लिया। भागते भागते ही मैंने उनमें से एक अफ्रीकी की पीठ में एक माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका दिया। ये उसी के सिग्नल है, पर ये क्या? अब ये सिग्नल बता रहे हैं कि वे अफ्रीकी जहाज से दूर जा रहे हैं, पर कैसे? जहाज के आसपास से ना तो कोई नौका दूर जा रही है, और ना ही कोई तैर रहा है। देखो करीम, जहाज का एक पानी की सतह से कई फुट ऊपर उठ गया है, और वो देखो एक पेरिस्कोप यानी पनडुब्बी। हाँ, पनडुब्बी जहाज के तले में लगी होगी। वे अफ्रीकी जहाज के रास्ते पनडुब्बी में घुसे होंगे, और अब पनडुब्बी उनको लेकर जहाज से दूर जा रही है। एग्जैक्टली, और पनडुब्बी का वजन हटते ही जहाज सतह से कई फुट ऊपर उठाया है। बिल्कुल सही करीम, यही कारण था कि पुलिस को जहाज की तलाशी में कोई अपराधी हाथ नहीं लगा। मतलब साफ है कि इनका अड्डा कहीं और है, और ये पनडुब्बी उन अफ्रीकनों को उसी अड्डे की तरफ ले जा रही है। करीम, तुम तुरंत पीटर को फोन करो, और कहो कि वो गोताखोरी के 2 स्पेशल मास्क लेकर यहाँ पहुंच जाए, और साथ में कुछ प्लास्टिक बम भी लेता है। और उसके बाद तुम पुलिस लेकर पूरा इलाका घेर लेना, समझे? अगर पुलिस मेरी बात पर ही यकीन ना करे तो?
तो तुम पापा से संपर्क करना, यानी आईजी सर से, समझ गया। और जल्द ही दो परछाइयां पानी के अंदर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। सावधान पीटर, अब पनडुब्बी हमसे ज्यादा दूर नहीं है। अगर मेरा ख्याल सही है तो यहाँ पर अपराधियों का जमघट लगा होगा। तुम प्लास्टिक बम लाए हो ना? हाँ, ये रहे, मेरे बेल्ट में लगे हैं। देखो उधर कुछ नजर आ रहा है? मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम चट्टानों की आड़ लेते हुए मेरे पीछे आओ। ध्रुव सावधानी से आगे बढ़ा। ये तो पनडुब्बी ही है, और ये किसी गुफा के प्रवेश द्वार के बगल में खड़ी है, यानी ये गुफा ही सारे झगड़े की। तभी ध्रुव को खतरे का आभास हुआ। तो मेरा शक सही निकला, पहरेदार ने इसकी पुष्टि कर दी है कि यही गुफा मेरी मंजिल है। पहरेदार के संभलने से पहले ही ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जबड़े से एक घूंसा दुगनी जोर से टकराया और पहरेदार होश खो बैठा। वाह, तुमने तो मेरे आने से पहले ही इसका काम तमाम कर दिया। सुनो पीटर, तुम इस गुफा के प्रवेश द्वार को छोड़कर दो तरफ बम लगा दो, और मेरा सिग्नल मिलते ही धड़ाम धड़ाम, समझ गया? बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। धन्यवाद पीटर, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। ध्रुव ने सावधानी से एयरलॉक खोला और वह आश्चर्यचकित रह गया। कमाल है, इन लोगों ने तो अंदर पूरी कोठी बना रखी है, और यही से शायद यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उधर कॉरिडोर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं, शायद वहीं से मेरे सवालों का जवाब मिल सके। दरवाजे के पीछे एक और आश्चर्य ध्रुव का इंतजार कर रहा था। प्यारे दोस्तों, आज की मीटिंग की शुरुआत। वाह वाह, लगता है पूरा संयुक्त अपराध संघ यहाँ पर एकत्रित है। लेकिन यहीं पर ध्रुव से एक जबरदस्त असावधानी हो गई। हिलना मत, वरना पल भर में चलते फिरते बदन को लाश में बदल दूंगा। कौन हो तुम? जासूसी करने आए हो? अंदर चलो। सुपर जज के सामने, कौन है ये बदतमीज जो पर्दे के पीछे से बोलकर मीटिंग में खलल डाल रहा है? सुपर जज को जवाब मिलने में देर नहीं लगी। यह रहा बदतमीज। ये क्या, नशा करके आए हो क्या? इसको मत डांटिए, सारी गलती मेरी है, मैंने ही इसको अंदर फेंका है। दरअसल ये मुझको पिस्तौल दिखा रहा था। सुपर जज, कौन हो तुम? इस प्रश्न का उत्तर कई लोगों को पता था। अरे यही तो वह लड़का है, सुपर कमांडो ध्रुव। ये यहाँ तक कैसे आ गया? इसने हमें बहुत परेशान किया है सुपर जज, इसलिए इसको हमारे हाथों सौंप दीजिए। नहीं, इससे तो हमें अपना हिसाब चुकाना है। इसने मुझे लात मारी थी, इसकी गर्दन तो उसे कुंटा ही मरोड़ेगा। खामोश, पहले हम अपना अपने बिना मना बिना बुलाए मेहमान से कुशल क्षमा तो पूछ लें। तो तुम हो बेटा सुपर कमांडो ध्रुव, तुमने ही अब तक हमारे हर काम में टांग अड़ाई है। टांग तो तुमने हमारे देश के कामों में दखल देकर अड़ाई है। मैं यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ ये बताने आया कि ये सारा इलाका पुलिस ने घेर रखा है। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि अपने आप को चुपचाप कानून के हवाले कर दो। किसी भी प्रतिरोध का परिणाम सिर्फ खून खराब होगा। वाह वाह, ये तो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह बोलता है, मौत के सामने खड़ा होकर भी उपदेश झाड़ रहा है। इस लड़के से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आप सभी इस लड़के को अपने 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 हवाले करने की मांग कर रहे थे, परंतु इसको उसी टीम के हवाले किया जाएगा जो हमारी प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करेगा। दूसरे शब्दों में, सुपर कमांडो ध्रुव हमारी प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार होगा। वाह वाह, क्या निर्णय दिया है! तुम सब वास्तव में पागल हो गए। पागल हो क्या? मैं तुम लोगों को फिर बता रहा हूँ कि पुलिस ने तुमको चारों ओर से घेर रखा है। कोई चिंता की बात नहीं है, जब तक पुलिस यहाँ नीचे तक आएगी हम पट्टुबी में बैठकर रफू चक्कर हो चुके होंगे। पकड़ लो इसे और यहाँ से चलने की तैयारी करो। इनको समझाना व्यर्थ है। ध्रुव का हाथ अपनी बेल्ट पर गया। ये तो ध्रुव का सिग्नल है। पीटर की उंगली रिमोट कंट्रोल के बटन पर दबी और दो धमाके हुए। ये क्या, भागो! उफ, हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन मास्क पहनने का वक्त है, जल्दी करो, पानी तो बहुत तेजी से अंदर आ रहा है। ध्रुव इस अफरा तफरी का लाभ उठाते हुए गायब हो चुका था। अरे वह लड़का किधर गया? कमबख्त हमारे सारे प्लान पर पानी फेर गया। और बाहर, शाबाश पीटर, धन्यवाद ध्रुव। आओ अब चट्टान के पीछे आराम से बैठकर तमाशा देखें। अभी नहीं, अभी यह पनडुब्बी बची है, वे इसमें बैठकर भाग सकते हैं, लेकिन मैंने एक बम इसमें भी फिट कर दिया है। और शीघ्र ही आओ जल्दी पनडुब्बी की ओर, लेकिन इससे पहले कि वो पनडुब्बी तक पहुंच पाते। सतह पर करीम आईजी राजो ने स्पेशल पुलिस फोर्स के साथ किनारे पर पहुंच चुका था। ये धमाका कैसा है? और लगभग तुरंत ही समुद्र की सतह पर सिर ही सिर नजर आने लगे। भागने के सभी रास्ते बंद देखकर अपराधियों ने आत्मसमर्पण करना ही उचित समझा। कुछ घंटों की कड़ी तलाश के बाद सारे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में थे। और फिर, आई एम सॉरी ध्रुव, मुझे तुम्हारी बातों को और ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए था। इतने सारे अपराधी हमारे हाथ पहले कभी भी नहीं लगे। इनमें से कई अपराधियों की तो इंटरपोल तक को तलाश थी। इसमें आपका कसूर नहीं अंकल,
अगर अगर कोई मुझसे आकर ये सब बताता तो मुझे भी उस पर जल्दी विश्वास नहीं होता। लगभग उसी वक्त भारत की धरती से हजारों किलोमीटर दूर हमारा प्लान फेल हो गया महामहिम। फेल हो गया? हमारा प्लान फेल हो गया? कैसे फेल हुआ? एक लड़के के कारण महामहिम। लड़के के कारण? कौन है वह लड़का? उसका नाम ध्रुव है महामहिम। कल सुबह तक उसके बारे में पूरी जानकारी मेरी टेबल पर होनी चाहिए। ग्रैंड मास्टर रोबो उसको खुद अपने हाथों से सजा देगा। तो दोस्तों, यह वो शख्स था जिसने इस अनोखे अपराध ओलंपिक का प्लान बनाया था। क्यों बनाया था और फिर इसने क्या किया, ये सब मैं अपने आने वाले किसी अंक में बताऊंगा। फिलहाल तो इंतजार करो मेरे अगले अंक का। फिर मिलेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की अगली कॉमिक्स समुद्र का शैतान में। तब तक के लिए धन्यवाद।